बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, मार्केट को चेक कर लेते हैं। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी क्लोजिंग की है और कल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो मार्केट की जो आज क्लोजिंग हुई है वो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल के ऊपर हुई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूशन रहेगी डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है ना। और मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो पॉजिटिवली हुई थी। मार्केट ने वही हाई बनाया जो 2 दिन से बना रही है, 40,400 के आसपास। तो आज जो हाई बनाया वो 40,424 के पास बनाया। वहाँ मार्केट को रिजेक्शन देखी गई, मार्केट ने हाई साइड पर रिजेक्शन फेस की और मार्केट को नीचे की तरफ खींचा गया। और मार्केट ने जो अपना दोबारा लो बनाया वो 40,065 के पास बनाया। मार्केट की जो ओवरऑल थ्रू आउट द डे जो पोजिशन रही वो रेंज बाउंड रही और हल्की फुल्की वॉलेटाइल भी रही, जो कि एक्सपेक्टेड थी। कल भी आपको मैंने डिस्कस की थी कि मार्केट के अंदर जो है रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी जाएगी, वही थिन रेंज देखी जाएगी, और आज वही देखी गई, वही एक्सपेक्टेड थी। मार्केट की जो भी बाद में क्लोजिंग हुई है वो हुई है 40,154 के पास हुई है। और मार्केट ने जो आज पॉइंट लूज़ किए हैं वो 29.90 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, जो कि बनते हैं 0.07%। मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम्स लगे हैं वो 248.93 मिलियंस के लगे हैं, जो कि कल से लोअर हैं 16%। और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो बिलो टू रेजिस्टेंस 1 से हुई है, 40,372 की रेजिस्टेंस थी पहली रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, उससे नीचे हुई है। मैं तो कहता हूँ पिवट से भी नीचे की क्लोजिंग हुई है मार्केट की। और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं वो 2 दिन से काफ़ी लो जा रहे हैं, कल भी लो लगे थे, आज भी लो लगे हैं। और मार्केट के अंदर वॉल्यूम लो लग रहे हैं और ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि बायर्स का जो फ्रेश बाइंग का जो है वो है इंटरेस्ट वो ना होने के बराबर है, और वो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। और मार्केट के अंदर जो क्या कहते हैं RSI है वो 73.07 है, कल थी 73.21, तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आया है। ये भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि बायर्स जो है ना इंटरेस्टेड है, ना सेलर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों की पोजिशन रिमेंट सेम है, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर जो स्टोकेस्टिक RSI है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्शन करूँगा, करेक्शन करके रिपोर्ट को बिल्कुल फाइनल टच देके आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब, स्टोकेस्टिक RSI जो है वो भी बिल्कुल हाईली ओवरसोल्ड है, ठीक है ना। ओवरसोल्ड की वजह से मार्केट के अंदर कल दोबारा आपको बाउंस बैक नज़र आएगा। अभी से इंडिकेट कर रहा हूँ कि स्टोकेस्टिक RSI की वजह से अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट के अंदर एक बाउंस नज़र आ सकता है, जो कि मार्केट के अंदर वही रूटीन की तरह जिस तरह मार्केट बिहेव कर रही है 2-3 दिन से, तकरीबन 300-400 पॉइंट गेन करती है। हो सकता है कल दोबारा 250 से लेकर 300 पॉइंट मार्केट के अंदर बाउंस नज़र आए, उसके बाद दोबारा फिर मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो नीचे की तरफ ही होगी। तो जरा मार्केट की तरह मार्केट के लिए मेरा ओवरऑल जो व्यू है वो यही है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिमेन बेयरिश रहेगा, और नेगेटिव सेशन जो है कल मुझे एक्सपेक्टेड है। मुझे कोई पॉजिटिव सेशन नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट के जो वीकली चार्ट है उसके अंदर भी मार्केट की पोजीशन लूज होती जा रही है। कल मार्केट के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 40,364 के पास है, और मार्केट के पास जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 40,573 के पास है, और मार्केट के पास जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 40,723 के पास है, और मार्केट के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 40,005 के पास है, 40,005 के पास है, और मार्केट के पास जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो सेकेंड सपोर्ट है सॉरी वो है 39,855 के पास, और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 39,656 के पास है। मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, तो मेरी तरफ से यही सजेस्ट है कि मार्केट को स्ट्रेंथ के ऊपर आप सेल कर दें, अपना प्रॉफिट गेन कर लें, सेल कर दें स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है ना। ये है मार्केट को स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। और इस रिपोर्ट को मैं फाइनल टच दूंगा, फाइनल टच दे के फिर ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। फिलहाल मैंने फिलहाल ऐसे ही राइड किया है जल्दी जल्दी में, ताकि वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बिना देर किए चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर भी आपको दिखा दूं कि क्या पोजीशन बनती है। हल्का फुल्का चार्ट जो है वो देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बनती है चार्ट। तो जनाब, ये चार्ट ओपन किया हुआ मैंने, आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट की जो कैंडल बनी है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये देखें, ये आप देख सकते हैं ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल जो है मार्केट के अंदर फॉर्मेट बनी है, जो कि सजेस्ट कर रही है कि ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड वो कंटिन्यू रहेगा। इस बात को और कंफर्म कर लेते हैं, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है जिसको मैं कहता हूँ MACD। MACD मेरा बहुत फेवरेट इंडिकेटर है जिसके ऊपर मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ, तो उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। ये जो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं इसके लिए आपसे माफ़ी,
ये देख सकते हैं MACD भी जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो है सेल करनी चाहिए, सेल की तरफ देना चाहिए। हिस्टोग्राम की पोजीशन भी जो है नेगेटिव जा रही है, आप देख सकते हैं MACD के हिस्टोग्राम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सेल की पोजीशन जो है वो बन रही है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल की तरफ ही गामजन है। ठीक है जनाब, इसी के साथ तो मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी डिटेल जो रिपोर्ट है वो मैं भी टच करूँगा फाइनल, उसके बाद फिर ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ीशान शाह, अल्लाह हाफिज़।